हाय फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव सेवन में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज ऑटो मोबाइल इंजीनियर का पार्ट टू लेके आया हूँ। अगर पार्ट वन नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड, और मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और बिहार से जब भी कोई रिक्रूटमेंट आती है तो मैं आप लोग से जल्दी शेयर कर देता हूँ फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स। तो जो है आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है इसे पूरे वॉच करें फ्रेंड्स, क्योंकि जो है एग्ज़ाम में आप अगर इसे पूरे वॉच करते हैं तो 50 से 60 क्वेश्चन जो है आप फ्रेंड्स लगा लोगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह जो है, और ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए प्रश्न है फ्रेंड्स, तो आप इसे पूरे वॉच करें। चलिए टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर, और सारा हल फ्रेंड्स इसमें समझाया गया है, तो आपसे कहूँगा फ्रेंड्स कि आप इसे पूरा वॉच करें। डीजल फ्यूल के जलने की सरलता किस नंबर से दर्शाती है? तो जो है इसे दर्शाते हैं हम सीटें नंबर से। अब आपको जानना है कि सीटें नंबर होता है क्या, ऑक्टेन नंबर होता है क्या। तो सीटें नंबर होता है फ्रेंड्स, जैसे कि किसी भी फ्यूल का जो है सबसे शक्तिशाली माप करने का एक संख्या होता है, उसे सीटें नंबर कहते हैं। जैसे डीजल कितने उच्चतम क्वालिटी के हैं, तो इसे जो है सीटन संख्या से हम माप सकते हैं, सीटन संख्या को डाल कर माप सकते हैं। और सीटन संख्या में जो है, ये जो है सीटन संख्या की जो रैंक की अगर बात कर लें तो ये 100वां रैंक इसे दिया जाता है ये सबसे। और जो है ये डीजल के उच्चतम क्वालिटी को, ईंधन फ्यूल के उच्चतम क्वालिटी को मापता है, ठीक है। इसे जो है उच्चतम क्वालिटी प्रदान करता है, एक उत्तम क्वालिटी का दहनशीलता इंजन है, ईंधन है या नहीं, या डीजल इंजन को के बारे में ये बताता है कि ये उच्चतम क्वालिटी हाई पावर का डीजल जो है यह है, अधिक दहनशीलता इसमें है, ये सब सारी बातें सीटें नंबर से हम ज्ञात कर सकते हैं। रहा ऑक्टेन संख्या, इसी प्रकार ऑक्टेन को भी जो है रैंक जो है 100वां दिया जाता है फ्रेंड्स। और जो है यह जो है पेट्रोल को जो है ना ग्रिसलिन का जो है मापने का एक इकाई है कि इसमें कौन सी गुणवत्ता है, कि ग्रिसलिन की कितनी गुणवत्ता है, या कितने परसेंट तक ये शुद्ध है और कितने परसेंट तक ये जो हाई पावर का है। तो ये ऑक्टेन संख्या ग्लिसरीन को जो है पेट्रोल को मापते हैं, उसी तरह सीटेन जो है डीजल को मापने की गुणवत्ता और हाई फ्रिक्वेंसी हाई क्वालिटी और पावर को मापने की एक जरिया है, संख्या है फ्रेंड। तो इसे जो है सीटेन नंबर कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा सीटेन नंबर से क्या कार्य होता है, उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता डीजल के मापते हैं, ओके फ्रेंड्स। और उस पर नंबर दिया जाता है कि इतने क्वालिटी के है, 40, 50, 60 है ना। और सीटेन के रैंक की संख्या बोलते तो इसे 100वां रैंक दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट तरफ। डीजल इंजन नोक किस कारण से होता है? तो ये जो है नोक मतलब क्या होता है, पहले नोक जाने। नोक मतलब घड़घड़ाहट, खड़खड़ाहट है ना। तो डीजल इंजन में जो घड़घड़ाहट होता है किस कारण होता है, तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि जो है अगर डीजल जलने के समय जो है तेज आवाज़ होगा, डीजल जलने लगेगा तो क्या होगा उसमें जो है तेज आवाज़ होगा। या फिर इस प्रकार का कर सकते हैं कि जो है अगर हम डीजल के डीजल वाले यंत्र में जो है हम पेट्रोल डाल दें या फिर क्रोसिन डाल दें और इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं हो तो उसमें भी गड़गड़ाहट उत्पन्न हो जाती है। अगर डीजल की क्वांटिटी अच्छा नहीं हो, गुणवत्ता अच्छा नहीं हो, क्रोसिन की गुणवत्ता, अगर क्रोसिन से चलाते हैं, क्रोसिन की गुणवत्ता डीजल की तुलना में उतना अच्छा नहीं होती है, इसलिए गड़गड़ाहट उत्पन्न होगा। फिर यहाँ है फ्रेंड्स कि डीजल जलने के समय जो है तेज़ आवाज़ होना पहला कारण हो गया। दूसरा कारण जो हम बताएं कि उसकी क्वालिटी अच्छा नहीं होती है ना, इसलिए जो है, या फिर दूसरा एनी ऑयल डालकर, जैसे क्रोसिन डालकर अगर चलाते हैं तो डीजल इंजन में नोक उत्पन्न होता है। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोलाइट में लेवल प्लेट के शीर्ष में कितना mm ऊपर होगा, तो आपको बताना है। तो ये जो है 10 mm ऊपर होगा। नेक्स्ट है कि जनरेटर का कार्य क्या है, तो आपको बताना है। तो जो है जनरेटर क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। जनरेटर डेनेमो, डेनेमो का क्या क्या होता है, जनरेटर में एक डेनेमो लगा हुआ रहता है फ्रेंड्स। आप ये चित्र देख रहे हैं, तो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है।
अब जो है इलेक्ट्रिकल इन, अब ये दूसरा आप देख लीजिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन बदलता है, तो उसको बोलेंगे विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में पहले क्या देते हैं, पहले उसको क्या देते हैं, मोटर को चलाने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक प्रवेश करते हैं, प्रवेश कराते हैं, उसके बाद वह जो है हमें क्या देता है, उसे यह यांत्रिक ऊर्जा। जैसे हम मोटर में लाइन प्रभावित किए, पहले विद्युत का प्रयोग किए, उसके बाद हमें वो पानी देता है, तो यंत्र तो वो चालू होता है, यांत्रिक में बदला तब हमें पानी मिलता है। यानी कि विद्युत मोटर जो है विद्युत, पहले विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, और जनरेटर क्या होता है, उसमें जो है मैकेनिकल रहता है, और उस पर क्या करते हैं कि जब जो है मैकेनिकल का काम करते हैं तो इलेक्ट्रिकल देकर जो है हमें जो है लाइट या वगैरह वगैरह इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ जो है हमें प्रदान करता है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो है जनरेटर क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में बदलता है, विद्युत एनर्जी जो है वो जो ग्रोथ करके हमें जो है प्रकाश देता, प्रकाश या कोई भी चीज़ देता है इलेक्ट्रिक विद्युत से। तो ये आपको समझना है। बैटरी को चार्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो जो है हमें डीसी की आवश्यकता पड़ती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एसी से बैटरी हम चार्ज नहीं कर सकते। अब एसी और डीसी आपको समझना है फ्रेंड्स, कि एसी और डीसी होता क्या है। तो एसी होता है, हम इसको बोल सकते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव करंट बोल सकते हैं। डीसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ओके फ्रेंड्स, एसी अगर हिंदी में इसको कन्वर्ट करें तो प्रत्यावर्ती धारा कह सकते हैं, डीसी को कह सकते हैं डायरेक्ट करंट, यानी कि दृष्ट धारा, जिसको हम हिंदी में दृष्ट धारा कहते हैं। अब ये आपको समझना है कि एसी का जो है आपको ये जो है एक पर एक समय के साथ जो है दिशा बदलते रहता है, इसका डायग्राम ऐसे, और डीसी का अगर डायग्राम पूछे तो डीसी का डायग्राम सीधा होता है, वह जो है समय के साथ दिशा बदलता नहीं है। तो ये समझना है फ्रेंड्स, और ये लंबी दूरी को तय कर सकता है सुचारू ढंग से, और जो है और एक रेक्टिफायर होता है जो डीसी एसी को डीसी में बदलता है। तो ये सारे बातें आपको याद रखना है। फिलहाल बैटरी को चार्ज करने में डीसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जनरेटर और बैटरी के बीच चार्जिंग सर्किट में क्या होता है। तो जनरेटर और बैटरी के बीच में जो है चार्जिंग सर्किट में क्या होता है, एक एमीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, और एमीटर जो है, एमीटर का कार्य क्या होता है, एग्जाम ऑब्जर्व से ये भी जानना है। तो विद्युत दिशा में जो है, विद्युत दिशा में जो है क्या होता है कि किसी भी सर्किट होता है ना, परिपथ होता है, एमीटर का कार्य होता है, तो वह जो है किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का जो है माप करता है, तो वो जो उसे क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा को क्या करता है, मापक होता है, तो उसे जो हम क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये और ये एमीटर का कार्य है। एमीटर का कार्य क्या है कि किसी भी विद्युत धारा को। नेक्स्ट है फ्रेंड, कि निम्नलिखित में से किसमें इंजन की स्पीड बढ़ाने की स्पार्क की तीव्रता कम हो जाती है, तो मेरा हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बैटरी इमिनेशन सिस्टम में। ओके फ्रेंड्स, कैस में बैटरी इमिनेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है कि डिले पीरियड में कौन सा कारक प्रभावित करता है, तो ये जो हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों, यानी दबाव और कंप्रेसर अनुपात, ये दोनों जो है डिले पीरियड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, डीजल पीरियड कम होने से इंजन की चाल रहती है, तो जो है समान रहती है। इंजन ऑयल का एसएई नंबर क्या है, कई बार पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स कि डीजल जो है ऑयल का एसएई नंबर क्या है। तो एसएई नंबर, पहले एसएई नंबर जानते हैं क्या होता है। तो एसएई नंबर के पूरा नाम होता है फ्रेंड्स, एग्जाम में आ सकता है, सोसाइटी ऑटोमोटिव इंजन, ठीक है फ्रेंड्स, सोसाइटी ऑटोमोटिव इंजन इसको कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि इंजन ऑयल का एसएई नंबर क्या होता है, तो हमें बताना है कि एसएई नंबर जो है कितना होता है, तो 30 से 40 होता है,
ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इंजन में लुब्रिकेंस किस भाग में किया जाता है, इंजन में जो है लुब्रिकेंस किस भाग में किया जाता है, तो आपको बताना है। तो जो है इंजन में लुब्रिकेंस जो है वो उपयोग सभी में किया जाता है, पिस्टन में भी कर सकते हैं, गजन पिन में भी कर सकते हैं, पिस्टन रिंग में भी कर सकते हैं। पिस्टन, पिस्टन आप देखें ना फ्रेंड्स, पिस्टन इस तरह का होता है, पिस्टन बताते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गियर बॉक्स में किस नंबर का केयर ऑयल प्रयोग होता है, तो आपको बताना है। तो ये होता है SEE नंबर, यानी कि सोसाइटी ऑटोमोटिव इंजन 90 नंबर, 90 का केयर ऑयल जो है प्रयोग, गियर ऑयल जो है प्रयोग होता है, गियर है फ्रेंड्स, गियर ऑयल प्रयोग होता है 90 नंबर का, ओके फ्रेंड्स, गियर बॉक्स में 90 नंबर का होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीजल के कणों में, यहाँ पर कणों में कर दीजिए फ्रेंड्स, हल्का हो गया, मिस्टेक हो जाता है। डीजल के कणों को हवा के साथ गति निम्न में से किससे प्राप्त होती है, तो किसे, टर्बुलेंस से प्राप्त होती है, किसे प्राप्त होती है फ्रेंड्स, टर्बुलेंस से। डीजल के गति को हवा का सापेक्ष गति निम्न में से किससे प्राप्त होती है, टर्बुलेंस से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल में कौन सा पेट्रोलियम गैसों का ईंधन का प्रयोग किया जाता है, कई बार पूछा गया फ्रेंड्स क्वेश्चन है, तो जो है कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों किया जाता है। प्रोपेन के वहीं अगर सूत्र बताते हैं तो C3H8, ये हो गया हमारा प्रोपेन। अगर मीथेन की बात कर लेते हैं तो CH4, ये हमारा मीथेन हो गया। और ब्यूटेन की अगर बात कर लें तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, C4H10, ये हमारा ब्यूटेन हो गया। तो ये भी बातें आपको याद रखनी है। डीजल इंजन का उच्च कंप्रेसर अनुपात क्या होता है, तो आपको बताना है कि इसका अनुपात जो है 11:1 से 20:1 होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कि अंडाकार घिसावट, यहाँ पर घिसावट कर लीजिए फ्रेंड्स हल्का सा, अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर से अधिक घिसता है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, अंडाकार घिसावट में सिलेंडर किस ओर घिसता है, यहाँ घिसावट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो कैसे घिस, तो जब दाएँ से बाएँ, ये भी पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि सिलेंडर हेड किस धातु के बने होते हैं, तो सिलेंडर हेड आपको बताना है कि किस धातु के बने होते हैं, तो ये जो है कास्ट आयरन का बना होता है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पिस्टन पर निम्नलिखित में से कौन सा दो प्रकार के रिंग फिट होते हैं, तो आपको बताना है, तो ये होता है कंप्रेसर रिंग एंड ऑयल रिंग, ये दो प्रकार का रिंग जो है पिस्टन पर जो है फिट होते हैं। नेक्स्ट है कि सिद्धांत के रूप में इनलेट वाल्व निम्नलिखित पर खुलता है, इनलेट वाल्व कहाँ खुलता है, तो आपको बताना है, तो ये जो है TDC पर खुलता है, ओके फ्रेंड्स। TDC क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि TDC जो होता है वो कंप्रेसर, जो कार्बोरेटर होता है TDC, वो जो है एक इनलेट वाल्व होता है ना, उसमें जो है एक टॉप पर जो है ना, इंजन के टॉप पर लगाया गया एक यंत्र होता है, इसका पूरा नाम अगर हम बताएं तो टॉप डॉप्ट सेंटर इसका नाम होता है फ्रेंड्स, टॉप डॉप्ट सेंटर, ओके फ्रेंड्स, सेंटर, ये इंजन की ऊंचाई में लगाया जाता है, इनलेट वाल्व के इंजन की ऊंचाई में लगाया जाता है, तो इसको कहते हैं टॉप डॉप्ट सेंटर, ये जो है पूछने की संभावना है फ्रेंड्स, तो इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन का भाग है, तो इंजन का भाग तो आपको पता ही होगा कि इंजन का भाग है, तो इसमें है जो ये कोई नहीं, इंजन का भाग इसमें कोई नहीं, सिलेंडर पिस्टन फ्लाईव्हील ये सब कोई इंजन का भाग नहीं है। तो यही तो आज का 20 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि पूछा ही गया है फ्रेंड्स, तो इसे आप रट लेंगे तो 50 से 60 क्वेश्चन आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। और जो है मैकेनिकल इंजीनियर का भी मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो आप जो है उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर वॉच करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जो भी क्वायर हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ओके फ्रेंड्स, जय हिंद।